आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये लगातार 36वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ हो। कच्चे तेल के दाम में अस्थिरता देखी जा रही है, जिसका क्रूड बास्केट के रेट पर असर देखने के लिए मिल रहा है। देश में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं और इनमें राज्यों के लगाए गए वैट और इनके टैक्स का असर होता है, जिससे राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट भी अलग हो जाते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपए जबकि डीजल 86 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। मुंबई में कीमत ज्यादा है, 109 रुपए यहाँ पर प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल 94 रुपए मिल रहा है। वहीं कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104 है, वहीं डीजल का दाम 89.79 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 104 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 89.79 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। तो एक बार फिर से 36वें दिन कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में राहत मिलती हुई अन्य राज्यों को मिल सकती है। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो महानगरों में सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में ही मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर है। वहीं अगर बड़े महानगरों की हम बात करें, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो या फिर कोलकाता हो, तो यहाँ पर यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, 109-104 रुपये इस तरह से पेट्रोल बिक रहा है। छत्तीसवें दिन भी पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं, इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी तो स्थिरता है, लेकिन आने वाले समय में तमाम राज्य सरकारें इस पर बड़ा फैसला ले सकती हैं।